हेलो दोस्तों, स्वागत है साथ एजुकेशन में। और इस वीडियो में आप एक्सप्लोसिव के बारे में जानेंगे। और ये जो चैप्टर है एक्सप्लोसिव का, ये बहुत सारी बुकों का कलेक्शन है। समझ लीजिए कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो समझ लीजिए कि आप बहुत सारा बुक को एक साथ कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन है कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड या मिक्सर ऑफ कंपाउंड हो सकता है, जिसको फ्लेम देने पर यानी कंबसन देने पर, या सडन शॉक देने पर यानी डिटोनेशन देने पर, या हीट देने पर वो उसमें रैपिड चेंज आता है। और वो चेंज अचानक से किस में चेंज आता है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा गैस क्रिएट हो जाता है और उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, और यही गैस मिल करके रॉक को तोड़ता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लोसिव का डिफिनेशन हो गया। अब कंबसन, ये सब इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशन याद रखना है। एग्जाम में आ सकता है कंबसन ऑप्शन में ऊपर में लिख देगा और चार ऑप्शन देगा, तो इसमें से बताना रहेगा आपको कौन सा कंबसन है, कौन सा डिटोनेशन है। तो यह एक लाइन का डिफिनेशन है, याद रखिएगा इसको। वेरी हाई रेट ऑफ बर्निंग, उसको क्या बोलते हैं? कोई चीज़ जल रहा है बहुत ही अधिक स्पीड से, तो उसको क्या बोलते हैं? कंबसन। कोई जो ऐसा केमिकल रिएक्शन है किसी सब्सटेंस का हो रहा है, किसी में केमिकल रिएक्शन, जैसे कि ये मान लीजिए इसके अंदर हम बारूद भर दिए हैं, ठीक है, यहाँ से जला दिए हैं, इधर से ये जलते हुए जा रहा है, तो ये क्या रहा है? जो फैल रहा है ना, इधर आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसका जो आगे की तरफ बढ़ना है किस स्पीड से होता है? ग्रेटर देन सोनिक वेलोसिटी, साउंड के वेलोसिटी से अधिक स्पीड से जब भी कोई चीज केमिकल रिएक्शन बढ़ता है उसको हम लोग डिटोनेशन कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि एक्सप्लोसिव में क्या क्या इंग्रेडिएंट रहता है, मेनली पांच रहता है। क्या क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम रहता है? ऑक्सीजन सप्लाई करते रहना, क्योंकि जो एक्सप्लोसिव है बोरहोल में जाता है ना अंदर, वहाँ पर तो हम जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, तो ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव के साथ ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि जलेगा तो ऑक्सीजन उसको चाहिए, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ में देते हैं ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई होता रहे। सेकंड नंबर पर है कंबस्टिबल मटेरियल, कंबस्टिबल सब्सटेंस भी कह सकते हैं, मटेरियल भी कह सकते हैं, ये फ्यूल का काम करता है। ठीक है, तो ये जैसे चारकोल हो गया, वुडमिल हो गया, सब्सटेंस, यही सब जलता है मेनली। ठीक, और स्टेबलाइजर रहता है थर्ड नंबर पे, स्टेबलाइजर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये इसका काम क्या होता है? कोई भी एक्सप्लोसिव का फिजिकल स्टेट में किसी भी तरह का कोई चेंज ना आए, इसके लिए स्टेबलाइजर दिया हुआ रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सेंसिटाइजर का क्या काम होता है? सेंसिटाइजर का काम होता है जैसे कि उसको एक्सप्लोसिव को सेंसिटिव बना के रखना, जैसे जब भी अगर एक्सप्लोसिव सेंसिटिव नहीं रहेगा तो ये आपका बोर होल हो गया। अब यहाँ पे ये बूस्टर रहता है, यहाँ से इनिशिएट होता है चार्ज बॉटम में। अगर एक्सप्लोसिव सेंसिटिव नहीं रहेगा तो ये नीचे में तो ठीक है आप ब्लास्ट कर दीजिएगा, लेकिन क्या ऊपर में ये फ्लेम आएगा, ऊपर में ये एक्सप्लोजन बढ़ेगा, आगे आगे की ओर बढ़ेगा ही नहीं एक्सप्लोजन, इसीलिए एक्सप्लोसिव का सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। तो ये सेंसिटिविटी किसके कारण इंक्रीज होता है? मेटालिक पाउडर के कारण, जैसे हम लोग ज़्यादातर एल्यूमिनियम उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब फ्लेम डिप्रेशन, फ्लेम डिप्रेशन क्या होता है कि जो भी एक्सप्लोजन के कारण जो भी फायर निकलता है, जो भी चिंगारी स्पार्क जो भी निकलता है उसको वो बुझाने का काम करता है NaCl। ठीक है, मेनली तीन इंग्रेडिएंट होता है एक्सप्लोसिव का, ऑक्सीडाइजर जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है, फ्यूल चाहिए जो जलता है, और सेंसिटाइजर चाहिए। सेंसिटाइजर या एल्यूमिनियम हो सकता है, या एयर बबल के रूप में हो सकता है, या फिर माइक्रो बैलून करके हो सकता है, जो कि हम लोग ये इसमें SME जो इमल्सन वाला एक्सप्लोसिव है ना उसमें यूज करते हैं ये सब, तो ये सब सेंसिटाइजर रहता है उसमें। तो मेनली ये तीन ही होता है, ये दो चीज़ इसमें स्टेबलाइजर और फ्लेम डिप्रेशन, ये मतलब कि उसको स्टेबल रखने के लिए दिया जाता है, और ये फ्लेम को बुझाने के लिए, मेनली ये तीन है। एक्सप्लोसिव के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आप लोग को कि जो एक्सप्लोसिव था जो कि सबसे पहले ब्लैक पाउडर के नाम से जाना जाता था, और इसका यूज चाइनीज व्यक्ति ने किया था, चाइन हिंग ने, किसी युद्ध के दौरान 50 BC में। ठीक है, और फिर ये टेक्नोलॉजी चाइना से शिफ्ट होके फिर धीरे धीरे समय के साथ वेस्ट में तरफ, मतलब कि वेस्ट के साइड चला गया, और वहाँ पे पहली बार रिकॉर्डेड यूज हुआ रॉक ब्लास्टिंग के लिए हंगरी में 1670 में। ठीक है, टीन माइंस में, ठीक, जर्मन माइनर के द्वारा। अब 1864 में क्या हुआ कि एक स्वीडिश इन्वेंटर थे अल्फ्रेड नोबल, उन्होंने पहली बार कोई ये डेटोनेटिंग ब्लास्टिंग कैप का आविष्कार किया था, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ एक्सप्लोसिव कहा जाता है। डिफ्लेग्रेशन क्या होता है कि डिफ्लेग्रेशन रेट ऑफ बर्निंग ऑफ एक्सप्लोसिव बिलो द स्पीड ऑफ साउंड,
मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड का जो साउंड का स्पीड रहता है उससे नीचे का स्पीड में जो भी बर्निंग होगा वो डिफ्लैग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। और ये अभी तीन चीज़ के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कंबसन, डिफ्लैग्रेशन और डिटोनेशन। इसमें से सबसे कम रेट ऑफ बर्निंग रहता है कंबसन का, फिर डिफ्लैग्रेशन का इससे अधिक रहता है, फिर इससे अधिक रहता है डिटोनेशन का। ये देखिए टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव में जो एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 है उसी का शेड्यूल वन में दिया हुआ है क्लास ऑफ एक्सप्लोसिव के बारे में, तो क्लास वन से लेकर के क्लास एट तक है। क्लास वन में जो लो एक्सप्लोसिव है गन पाउडर, फिर धीरे धीरे नीचे तरफ ये स्ट्रेंथ थोड़ा उसका बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो गन पाउडर है फर्स्ट में, फिर सेकंड क्लास में है नाइट्रेट मिक्सचर, थर्ड में नाइट्रो कंपाउंड है। इसमें दो डिवीजन में बांटा हुआ है, फर्स्ट डिवीजन में ब्लास्टिंग जिलाटिन स्पेशल जिलाटिन, और जो सेकंड डिवीजन में उसमें गन कॉटन पी टी एन टी टी एन टी और प्राइमिक्स है। फोर्थ क्लास में क्लोरेट मिक्सचर है, और फिफ्थ में है फल्मिनेट, और सिक्स्थ को भी तीन डिवीजन में बांटा हुआ है। फर्स्ट डिवीजन में सेफ्टी फ्यूज इग्नाइटर कोड, सेफ्टी इलेक्ट्रिक फ्यूज, और सेकंड डिवीजन में प्लास्टिक इग्नाइटर कोड और डिटोनेटिंग कोड या डिटोनेटिंग फ्यूज, या और फिर है इसी में इलेक्ट्रिक फ्यूज और फ्यूज इग्नाइटर्स, ये सभी सेकंड में है। थर्ड में है डिटोनेटर और रिले डिटोनेटर और रिले और एक्स्ट्रा जो भी है। सेवन्थ में है फायरवर्क्स, और एट्थ में है लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव। यहाँ देखिए एक्सप्लोसिव को रिक्स बेसिस पे चार कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स वाई जेड और डबल जेड, ठीक है। तो एक्स कैटेगरी में कौन सा एक्सप्लोसिव आता है, एक्सप्लोसिव हैविंग ए फायर और ए स्लाइट एक्सप्लोजन रिक्स, ठीक है। मतलब कि उसमें फायर तो लगेगा ही, फायर भी लग सकता है उसके कारण से, और स्लाइट एक्सप्लोजन रिस्क भी हो सकता है, वो एक्स कैटेगरी में आएगा। वाई कैटेगरी में एक्सप्लोसिव हैविंग ए मास फायर रिस्क और मॉडरेट एक्सप्लोजन रिस्क बट नॉट द रिस्क ऑफ मास एक्सप्लोजन, मतलब कि फायर रिस्क भी हो सकता है उसके साथ एसोसिएट और मॉडरेट एक्सप्लोजन रिस्क भी हो सकता है बट मास एक्सप्लोजन नहीं हो सकता है, ठीक है। और जेड कैटेगरी मास एक्सप्लोजन रिस्क हो सकता है उसके साथ और मेजर मिसाइल इफेक्ट हो सकता है एसोसिएट। और डबल जेड जो कैटेगरी है उसमें क्या हो सकता है, हैविंग अ मास एक्सप्लोजन रिस्क एंड माइनर मिसाइल इफेक्ट। यहाँ देखिए अलग अलग बेसिस पे सबका क्लासिफिकेशन किया गया है एक्सप्लोसिव का। ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो भाग में बांटा हुआ है, लो एक्सप्लोसिव और हाई एक्सप्लोसिव। फिर ऑन द बेसिस ऑफ यूज के बेसिस पे दो भाग में बांटा हुआ है, परमिटेड एक्सप्लोसिव और नॉन परमिटेड एक्सप्लोसिव। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ एक्सप्लोसिव इसमें दो भाग में बांटा हुआ है, कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव और नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव। और ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एक्सप्लोसिव, ठीक है, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ बल्क एक्सप्लोसिव में चार भाग में बांटा हुआ है, एनएफओ, एसएमएस, एसएमई और हैवी एनएफओ, ठीक है। तो इसमें अब इसको हम बारी बारी से पूरा डिटेल पढ़ेंगे सभी एक्सप्लोसिव को, जितना भी है, लो एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव, परमिटेड, नॉन परमिटेड, कैप सेंसिटिव, नॉन कैप सेंसिटिव और ये बल्क एक्सप्लोसिव को भी। मेनली ओपन कास्ट में हम लोग को हाई एक्सप्लोसिव के बारे में पढ़ना है जिसमें से ये सभी आ जाता है, और बल्क एक्सप्लोसिव भी पढ़ना है। और कैप सेंसिटिव नॉन परमिटेड तो हम लोग अंडरग्राउंड के लिए यूज करते हैं, तो परमिटेड का एक्सप्लोसिव में भी पांच टाइप होता है, P1 से लेकर के P5 तक, और नॉन परमिटेड भी अलग टाइप का होता है। और कैप सेंसिटिव आप जान रहे हैं कि जो डिटोनेटर का यूज करके वैसा एक्सप्लोसिव जिसको डिटोनेटर का सहायता से ब्लास्ट किया जा सकता है उसको हम लोग कैप सेंसिटिव बोलते हैं। तो जो भी अंडरग्राउंड में एक्सप्लोसिव यूज होता है वो सारा का सारा कैप सेंसिटिव रहता है। और नॉन कैप सेंसिटिव क्या रहता है कि जो भी ब्लास्टर की मदद से एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट किया जाता है वो, मतलब कि जिसमें डिटोनेटर नहीं लगता है, ब्लास्टर लगता है, तो वो सारा जो एक्सप्लोसिव जो कि ओपन कास्ट में यूज किया जाता है नॉन कैप सेंसिटिव। देखिए लो एक्सप्लोसिव क्या होता है, गन पाउडर को बोलते हैं लो एक्सप्लोसिव, और ये इसका क्या होता है, मिक्सचर होता है पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट का और प्लस चारकोल या सल्फर, ये सभी का मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसको इनिशिएट किया जाता है स्पार्क के द्वारा, जो कि किससे दिया जाता है, सेफ्टी फ्यूज से, और प्रोड्यूस करता है ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस जिसके कारण से क्या क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, CO प्रोड्यूस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, CH4 यानी मीथेन, ये सब गैसें प्रोड्यूस होती हैं। और इसका जो यूज अभी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है केवल मैनुअल जो ओपन कास्ट क्वेरी होता है ना वहीं पे केवल यूज होता है, या फिर जो ग्रेनाइट क्वेरी होता है, ग्रेनाइट का जो कम माइंस होता है ओपन कास्ट वाला वहाँ पे यूज होता है,
और या फिर कुआं का खुदाई में कहीं कहीं पे यूज होता है हाई एक्सप्लोसिव की। ये एक्सप्लोसिव को फायर किया जाता है डिटोनेशन के माध्यम से, और जैसे इसको फायर किया जाता है तो तुरंत ही बहुत अधिक मात्रा में और लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस बनते हैं, जिसका प्रेशर अधिक रहता है, उसका टेम्परेचर भी अधिक रहता है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड जितना भी एक्सप्लोसिव है सभी हाई एक्सप्लोसिव में आ जाता है। स्लरी एक्सप्लोसिव, इमर्सन, एएनएफओ, जो सब है लगभग हाई एक्सप्लोसिव में। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्लोसिव को पढ़ते हैं और इसमें सबसे पहले स्ट्रेंथ आता है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी भी एक्सप्लोसिव का स्ट्रेंथ है उससे हम क्या समझते हैं कि इतना याद रखिए किसी भी एक्सप्लोसिव का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही तरीकों से डिटरमाइंड होता है, जैसे कि वेट स्ट्रेंथ, बल्क स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट वेट स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट बल्क स्ट्रेंथ। तो इसमें से जो एक ये वेट स्ट्रेंथ है ना, वो हम लोग ब्लास्टिंग जिलेटिन को एक स्टैंडर्ड मानते हैं और बाकी एक्सप्लोसिव का वेट स्ट्रेंथ इसी ब्लास्टिंग जिलेटिन से कंपेयर करके हम लोग पता करते हैं। तो वेट स्ट्रेंथ होता क्या है, ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक्सप्लोसिव होता है ना, वो एक्सप्लोसिव ब्लास्टिंग के दौरान कितना अमाउंट में अपना एनर्जी को रिलीज करता है ताकि पत्थर को तोड़ सके, ठीक है, उसी को हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो किसका रेसिस्टेंस क्या है कि किसी भी एक्सप्लोसिव का देखा जाता है कि कितना क्षमता होता है कि वो पानी में रहते रहकर अपना सेंसिटिविटी लूज ना करे, पानी में रहकर अपना एफिशिएंसी लूज ना करे पानी में रहकर। तो अगर लूज नहीं करता है तो उसको बेटर वाटर रेसिस्टेंस एक्सप्लोसिव हम लोग कह सकते हैं। तो जो जिलेटिनियस टाइप एक्सप्लोसिव होता है वो बेटर वाटर रेसिस्टेंस होता है उसका, और जो एएनएफओ होता है इसका पोअर वाटर, ये पोअर वाटर रेसिस्टेंस होता है। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। ये क्या होता है कि कोई भी जब ये डेटोनेशन वेव है, डेटोनेशन वेव किस स्पीड से प्रोपेगेट कर रहा है उस सिलेंड्रिकल चार्ज कॉलम में, ठीक है। जैसे कि अगर ये होल है, इस तरह से होल है, वर्टिकल होल है, ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट होगा डिटोनेशन वेव, यहाँ से स्टार्ट करेगा ट्रैवल करना और ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। अगर वो काटी के अंदर है तो क्या होगा, डिटोनेटर इधर रहता है किनारे, फिर यहाँ से ये वेव ट्रैवल करता है आगे की तरफ। तो जिस स्पीड से ये ट्रैवल करता है वेव, डिटोनेशन वेव, उसी स्पीड को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, ठीक है। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए सॉल्ट। कोई भी एक्सप्लोसिव रहता है, कोई भी कार्टिज हुआ, तो उसमें कितना उसमें एनर्जी कंसंट्रेटेड है एक जगह पे पार्टिकुलर। जैसे कि ये कार्टिज हो गया, ठीक है, ये कार्टिज हो गया, इसके है ना अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स है मान लीजिए, तो इसका कंसंट्रेशन अधिक हो गया। अब पार्टिकल्स थोड़ा सा गैप है तो कंसंट्रेशन इसका कम हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि एनर्जी कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्ट का कितना है उसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। तो जो हार्ड ग्राउंड रहता है उसके लिए हाई डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव चाहिए होता है, और जो सॉफ्ट ग्राउंड रहता है उसको लो डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव उसके लिए चाहिए होता है। अब सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी देखिए क्या, सेंसिटिविटी का डिफिनेशन दो तरह से आता है, एक तो सेंसिटिविटी आपका कम होना चाहिए या नहीं इनसेंसिटिव होना चाहिए एक्सप्लोसिव, कब, जब आप उसका नॉर्मल यूज कर रहे हैं तब, या नॉर्मल यूज के दौरान कभी भी फ्रिक्शन आ गया, थोड़ा बहुत झटका उसको लग गया, शॉक लग गया, तो वो सब चीज़ों से वो इनसेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। और वो सेंसिटिव कब होना चाहिए, जब भी हम डिटोनेट करते हैं उसको, तब वो उस वो क्या करता है, यहाँ पर अगर डिटोनेट हुआ तो ये ऊपर की तरफ भी प्रोपेगेट करता है, फैलता है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता है ना, और बीच में अगर कोई गैप आ गया, जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लोसिव डलाया नहीं है, यहाँ गैप है, ये पोर्शन में गैप है, तो गैप रहने के बावजूद भी ये एक्सप्लोसिव का जो डिटोनेशन वेव है आगे की तरफ बढ़ता है, क्यों, क्योंकि ये सेंसिटिविटी का जो गुण होता है ना एक्सप्लोसिव में उसी के कारण है। तो यही बोलता है यहाँ पे कि जो सेंसिटिविटी है ये डिटोनेशन के थ्रू फैलना चाहिए एक जगह से दूसरे जगह पे, और इवन थ्रू गैप ऑफ एक्सप्लोसिव कॉलम, चाहे अगर गैप भी रहे एक्सप्लोसिव कॉलम में फिर भी फैलना चाहिए। जैसे कि आप अंडरग्राउंड में ही देखते हैं, जब एक कार्टिज डालते हैं तो कार्टिज तीन चार कार्टिज डलाता है तो दो कार्टिज के बीच में थोड़ा सा भी गैप रहता है या यहाँ डस्ट जमा हुआ रहता है, गैप रहने के बावजूद भी ये एक्सप्लोसिव जब ब्लास्ट होता है तो ये इसको भी ब्लास्ट कर देता है, ठीक है। तो वो गैप सेंसिटिविटी होना चाहिए एक्सप्लोसिव में। डिटोनेशन प्रेशर, डिटोनेशन प्रेशर क्या होता है, कभी भी हम डिटोनेटर को जब डिटोनेट करते हैं तो डिटोनेट जब डिटोनेट हो जाता है
तब क्या होता है, एक डिटोनेशन वेव प्रोड्यूस होता है। डिटोनेशन वो जो वेव होता है ना, वो उसके वो एक तरह का प्रेशर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और वही प्रेशर क्या कहलाता है, डिटोनेशन प्रेशर कहलाता है, जो कि पूरे सिलेंड्रिकल जो चार्ज कॉलम रहता है उसी के अलोंग आगे बढ़ते जाता है। देखिए बल्क एक्सप्लोसिव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं NFO से। इसका फुल फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट एंड फ्यूल ऑयल होता है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि ये मिला किस चीज़ से मिलकर बनाना होता है, तो ये प्रीड अमोनियम नाइट्रेट लगभग 94% रहता है इसमें, और फ्यूल ऑयल 6% रहता है, ठीक है। इस एक्सप्लोसिव का जो VOD रहता है, यानी वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, 2000 मीटर पर सेकंड से 4800 मीटर पर सेकंड तक रहता है। ये किसी किसी बुक में आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज मिल सकता है, पर उससे ये मैटर नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सप्लोसिव वाटर रेसिस्टेंट नहीं रहता है, और इसका जो कॉस्ट है ये बहुत ही कम रहता है, बहुत ही सस्ता रहता है, और ये ड्राई होल के लिए केवल रहता है यूज। और इस टाइप का जो एक्सप्लोसिव रहता है ना, इसको प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है इनिशिएट करने के लिए। जैसे अभी का जो एक्सप्लोसिव यूज हो रहा है, जैसे हम लोग इमल्शन एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं SME, इसमें हम लोग अभी क्या यूज करते हैं, बूस्टर यूज करते हैं इनिशिएट करने के लिए, ठीक है, कास्ट बूस्टर लगता है। और लेकिन जो पहले NFO रहता था, इसको पहले प्राइमर की ज़रूरत रहती थी। प्राइमर एक तरह का कार्टिज टाइप का ही रहता था एक्सप्लोसिव, जिसको हम लोग ये इनिशिएट करने के लिए NFO को यूज करते थे, ठीक है। और ये अच्छा रिजल्ट कब देता है ब्लास्टिंग का, जब जैसे ही होल में लोड हुआ, और जितनी जल्दी से जल्दी इसको ब्लास्ट कर दिए, लोड होने के बाद पूरा होल का चार्जिंग हो गया, तुरंत से तुरंत ब्लास्ट कीजिए, तब जाके ये अच्छा रिजल्ट देता था ब्लास्टिंग का। नहीं तो अगर देर कर दिए 2-3 घंटा चार्जिंग करने के बाद, छोड़ दिए 2-3 घंटा फिर ब्लास्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता था इसमें। अब यहाँ देखिए, चूँकि जो NFO था वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का था, मतलब कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता था, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या, वो अपना गुण खो देता था, अपना अस्तित्व खो देता था NFO, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करने से वो बहुत ही उसका क्वालिटी ख़राब हो जाता था, ब्लास्टिंग का रिजल्ट बहुत ही मतलब गंदा आता था। तो अब इसका डेवलपमेंट हुआ, AN बेस्ड स्लरी एक्सप्लोसिव का डेवलपमेंट हुआ। इसमें ऑक्सीडाइजर के साथ साथ में चारकोल जो फ्यूल का काम करता है, वो वाटर और सेंसिटाइजर और साथ में ग्वार गम दिया जाने लगा। ग्वार गम ये क्या करता था, ये वाटर को एकदम जेल टाइप, जो एक्सप्लोसिव है उसको जेल टाइप में बना के रखता था, और वाटर को वाटर रेसिस्टेंस कर दिया ये चीज़, ठीक है। तो अब ये सब मिला करके स्लरी एक्सप्लोसिव का निर्माण हुआ। फिर स्लरी एक्सप्लोसिव को इस तरह से बनाया गया कि उसको BMP व्हीकल में शिफ्ट किया जाए, और साइट पे ही जैसे स्लरी एक्सप्लोसिव को तैयार करके वहीं होल में तुरंत इसे चार्ज कर दिया जाए। तो इसी को हम लोग SMS बोलते हैं, साइट मिक्स स्लरी, ठीक है। साइट पे जाके स्लरी एक्सप्लोसिव तैयार किया जाता था, और वहीं पे बोरहोल में चार्ज कर दिया जाता था। ये जो कि पहले NFO में हम लोग को प्रॉब्लम मिल रहा था, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता था, मतलब कि वाटरी होल्स में हम लोग इसको चार्ज नहीं कर सकते थे NFO को, तो ये चीज़ प्रॉब्लम अब यहाँ पे ख़त्म हो गया SMS में, ठीक है। अब इसमें वाटरी होल्स में भी हम लोग इसको चार्जिंग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जो ये NFO था, इसमें क्या दिक्कत आ रहा था कि ये ड्राई होल्स के लिए केवल था, और वाटरी होल्स में हम लोग इसको चार्ज नहीं कर सकते थे, और ये हालांकि सस्ता था, पर ये ड्राई होल के लिए ही था केवल, ठीक है। अब SMS के बनने के बाद फिर ये वाटरी होल्स के लिए भी ये मतलब कि यूज करने के लायक हो गया। तो अब हम लोग को इमल्शन नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन इमल्शन क्यों बनाएं, इमल्शन इसलिए बनाएं ताकि VOD बढ़े। VOD बढ़ाने का मतलब है क्या, बहुत स्पीड से मतलब डिटोनेट हो होल हमारा, ता और अच्छा क्वालिटी का हमको ब्लास्टिंग मिले, इसीलिए इमल्शन बनाने का यही उद्देश्य था। तो इसमें चेंज क्या आया, जो हम लोग इसमें सेंसिटाइजर यूज करते थे मोनो अमोनियम नाइट्रेट या फिर TNT ट्राइन नाइट्रोटोलियम, तो ये जो इसमें हम लोग यूज करते थे सेंसिटाइजर के रूप में, वो हम लोग यहाँ पे चेंज किए, इसमें सेंसिटाइजर एयर बबल देने लगे, या फिर माइक्रोगैलन भी यूज होता है आजकल। तो ये सब जो सेंसिटाइजर है, ये इससे क्या हो गया कि VOD बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 5 किलोमीटर पर सेकेंड से 6 किलोमीटर पर सेकेंड लगभग, ठीक है। और इसका VOD कितना था, 2 से लगभग 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड था। और इसमें साथ साथ में क्या क्या मिलाया गया, ऑक्सीडाइजर सेंसिटाइजर एयर बबल के रूप में,
और वाटर ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट, इसी इमल्सिफाइंग एजेंट के कारण, क्योंकि वाटर ऑयल तो एक साथ मिक्स हो नहीं सकता है, तो इमल्सिफाइंग और एजेंट चाहिए था दोनों को मिक्स करने के लिए, तो इसी इमल्सन के कारण, इसका इमल्सिफाइंग एजेंट के कारण इसका नाम इमल्सन हो गया। अब हम लोग इमल्सन एक्सप्लोसिव इसको कहते हैं। अब ये जो बीएमडी वेहिकल रहता है, इसमें बीएमडी वेहिकल में तीन अलग अलग चैम्बर होता है, पानी के लिए अलग चैम्बर होता है, ऑयल यानी डीजल के लिए अलग सा चैम्बर होता है, और इमल्सिफाइंग एजेंट के लिए अलग चैम्बर होता है। तीन अलग अलग चैम्बर रहता है। फिर जब हम लोग साइट पर लेके जाते हैं बीएमडी वेहिकल को, और साइट पर डायरेक्ट वो चैम्बर से, तीनों अलग अलग चैम्बर से मिल करके, ये तीनों अलग अलग चैम्बर से मिल करके सीधा होल में हम लोग चार्ज कर देते हैं। इस तरह से होल को चार्ज किया जाता है। अब यहाँ देखिए, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि सेंसिटिविटी के बेसिस पे दो टाइप का एक्सप्लोसिव होता है, जैसे कैप सेंसिटिव और नॉन कैप सेंसिटिव। कैप सेंसिटिव में क्या होता है कि डिटोनेटर का यूज करके एक्सप्लोसिव को हम लोग ब्लास्ट करते हैं, और नॉन कैप सेंसिटिव में क्या होता है कि आप डिटोनेटर या डिटोनेटिंग फ्यूज का यूज करके आप इसको ब्लास्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज करके आप ब्लास्ट नहीं कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए होगा, बूस्टर चाहिए होगा। बूस्टर का यूज करके आप एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट कर सकते हैं। बिना बूस्टर के एक्सप्लोसिव ब्लास्ट नहीं होता है। नोनेल को हम लोग रेडिट भी कहते हैं, रेडिट कंपनी बनाती है, और इसको हम लोग दूसरा नाम और भी है कि DTH यानी डाउन द होल। ठीक है, डाउन द होल। इसमें डिले एलिमेंट भी रहता है, तो डिले रहता है 250 मिली सेकेंड का या 50 मिली सेकेंड का, जैसा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको होल में लटकाया जाता है बूस्टर के साथ, नोनेल को इस तरह से लटकाने के बाद फिर एक्सप्लोसिव भरा जाता है, मतलब कि एसएमई इमल्सन या स्लरी एक्सप्लोसिव जो भी वहाँ पे यूज हो रहा है वो एक्सप्लोसिव से इसको पैक कर दिया जाता है। अब ये एक्सप्लोसिव पैक करने के बाद फिर अब यहाँ पे स्टीमिंग कर दिया जाता है। अरे ये यहाँ पे, ये तो एक होल के बारे में डिटेल हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, पूरा आपका ये बेंच है। ठीक है, बेंच में बहुत सारा होल है, और सभी होल को इसी तरह से चार्ज किया जाता है। जब होल चार्ज हो जाता है तो अब क्या किया जाता है कि ये TLD से कनेक्ट किया जाता है, सारा होल का कनेक्शन। TLD मतलब ट्रंक लाइन डिले डिटोनेटर, जिसको हम बोलते हैं। ये भी एक तरह का शॉक ट्यूब ही रहता है, ये जो शॉक ट्यूब देख रहे हैं ना, शॉक ट्यूब करने का मतलब है कि एक तरह का प्लास्टिक ट्यूब रहता है, जो कि एक तरह का ये प्लास्टिक ट्यूब ऐसे रहता है। ठीक है, एक पैक रहता है इधर से भी, और इसमें फिर एक्सप्लोसिव मिक्सर भरा जाता है, रिएक्टिव एक्सप्लोसिव भरा जाता है, ताकि यहाँ से रिएक्शन करे शॉक देने पे। शॉक कैसे दिया जाता है, डिटोनेटर से शॉक दिया जाता है। डिटोनेटर को एक छोर से बांध दिया जाता है, और इसी डिटोनेटर को उड़ा दिया जाता है, ब्लास्ट कर दिया जाता है। तो इससे शॉक वेव ट्रेवल होते हुए यहाँ पे, ये सब कनेक्टर से कनेक्टेड रहता है, फिगर में आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो कनेक्टर से सारा होल एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, और पूरा ये होल इस तरह से ब्लास्ट हो जाता है।